अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रैकनर्स। तो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है जी ईसा जी, जिन्होंने ड्रामा रक्से बिस्मिल में अपना किरदार निभाया और अभी भी बाखूबी अपना किरदार निभाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन दर हकीकत वो कौन है और इनका ताल्लुक कहाँ से है और इन्होंने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल जैसे कि टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस ड्रामे ने जितनी मकबूलियत हासिल की उसकी वजह यही है, इसमें काम करने वाले सब अदाकाराओं ने अपना रोल बखूबी निभाया है। उन्हीं में से एक अदाकार ईसा हैं। ये ईसा कौन है? ईसा का असल नाम जो है वो मोमिन साकिब है और रक्से बिस्मिल से पहले ये एक ड्रामा बेअदब में काम कर चुके हैं और अब ये ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल में साइड रोल अपना निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि मोमिन साकिब के करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ। मोमिन साकिब एक आम से इंसान थे लेकिन कौमी क्रिकेट टीम पर इन्होंने तनकीद की, जहाँ से इनके करियर का एक्चुअल में आगाज़ हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों को पहले एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ। बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट करने आते। तो आपने इनका ये क्लिप देखा जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मारो मुझे मारो, और ये क्लिप इनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे और यहीं से इनके करियर का आगाज़ हुआ। और अब ये ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल में ईसा का किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी पाकिस्तानी ड्रामों में ये हमें नज़र आएंगे। आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या आप लोग ईसा को आगे ड्रामों में देखना चाहते हैं। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।